हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ढाबा स्टाइल शाही पनीर बनाऊंगी। शाही पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए 2 बड़े चम्मच दही, 10 से 15 काजू, 3 प्याज, 3 टमाटर और 3 सूखी लाल मिर्च, 1/2 कटोरी दूध की मलाई। काजू को हल्का गुनगुना पानी में भिगो देंगे और भिगो करके इसे पेस्ट बना लेंगे। प्याज का भी पेस्ट बना लेंगे। टमाटर और मिर्चा का एक साथ पेस्ट बना के रख लेंगे। 300 ग्राम पनीर लिए हैं और इसे अपनी पसंद की कोई भी शेप में काट लेंगे। मैंने ये क्यूब शेप में काट लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं ढाबा स्टाइल का शाही पनीर बनाना। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर देसी घी 2 बड़े चम्मच डाले हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले, जैसे कि 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची कूट के डाले हैं, 2 लौंग और 5-6 काली मिर्च कूट के डाल दिए हैं। थोड़ा सा चटकने दें, तभी इसका फ्लेवर आएगा। और अब प्याज का पेस्ट डालेंगे और डाल करके भुनेंगे। प्याज थोड़ी भुन गई है, अब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाले हैं और इसे भी थोड़ी देर भून लेना है ताकि कच्चापन ना रहे। और टमाटर मिर्चा का जो पेस्ट बनाकर रखे थे वो इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद चलाते रहना है। और अब डालेंगे काजू का पेस्ट, डाल करके चला देंगे और अच्छे से पकाना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। और साथ ही में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। डाल करके चला देना है और इसके बाद दही डाल देना है। 2 बड़े चम्मच दही डाल करके लगातार चलाते रहना है ताकि ये फटे नहीं। इसमें दही डालने के बाद फटने का डर रहता है। ये वीडियो में दही डालते हुए नहीं देखा है फ्रेंड्स। और बीच बीच में चलाते रहना है। मैंने सभी चीज़ को मीडियम फ्लेम पर पकाए हैं। अब सारी चीज़ पक गई है। 1/2 कटोरी दूध की मलाई डाल करके अच्छे से पकाना है। और इसको थोड़ा सा और रिच कर देते हैं। इसमें पानी नहीं डालना है। इसको लगातार चलाते रहना है
कि नीचे से चिपके नहीं, और इसमें दूध एक कटोरी डाल करके अच्छे से मिला लेना है। एक कटोरी दूध डाल करके मिला लेना है और थोड़ा सा इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। और लास्ट में डालना है पनीर। पनीर को लास्ट में इसलिए डालते हैं कि पनीर टूटे नहीं। अगर पहले डाल देते तो पनीर टूट जाती, और इसे थोड़ी देर और पकने देना है। शाही पनीर बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट में डालेंगे कस्तूरी मेथी। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और लास्ट में डालेंगे कस्तूरी मेथी। ढाबा स्टाइल शाही पनीर बनकर तैयार हो गया है। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसे सर्व करने के लिए एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।